आ जाओ सा जयमा करनी, वापिस से स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। हाँ मेरे ब्लॉग में। तो बताओ आज का ब्लॉग कहीं पे होगा? पता लग गया? चलो ठीक है, पता लग गया। तो एक एक करके प्रोसेस पे चलते हैं ना। मोनू बाहर गया हुआ है मोमोज खाने। मैं फ़ोन चला रही थी, नहीं मैं ऑर्डर ले रही थी वेबसाइट पे, मतलब ले रही नहीं थी, आप लोग ऑर्डर कर रहे थे तो वो चेक कर रही थी। और मम्मी के पास चले, मम्मी क्या कर रहे हैं? तो आज मम्मी बना रही है, बहुत सारी सर्दी आने वाली है और बहुत सारी संक्रांत आने वाली है, नहीं संक्रांत तो बहुत सारी मतलब मकर संक्रांति आने वाली है, तो उसके लिए मम्मी बना रही है तिल के लड्डू, जो कि मेरे को पसंद है, जो कि मम्मी बना रही है। देखने चले मम्मी कैसे बना रही है। चलो मम्मी क्या बना रहे हो? तिल के लड्डू। मम्मी बना रही है तिल के लड्डू। और ये क्या कर रहे हो? नहीं ये क्या कर रहे हो? ये मम्मी कस रही है खोपरा, ये जो काजू बादाम है ये सब करकू रख के खोपरा कस के। और अभी मम्मी ने ये जो तिल है गरम, अच्छा इसको आपने गरम किया है पहले? तो इसमें मम्मी ने इसको गरम कर लिया, पर लेट हो गए अंदर आने में। मम्मी इनको गरम क्यों करते हैं? लेकिन अच्छा मतलब सेकते हैं। अच्छा मम्मी मेरे आगे काम आएगा सासरे में। और ये गुड़, ये तिल, ये खोपरा, ये काजू बादाम और ये हमारी मम्मी। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद में, कहाँ तक का प्रोसेस पहुंचता है। तो थोड़ा थोड़ा मेरे को भी कसना आता है, थोड़ा थोड़ा मैं भी कस के देखती हूँ, बस मेरे हाथ की नहीं लगनी चाहिए। वन टू थ्री फोर गेट ऑन द डाउन है ना। कस दिया, ये है खोपरा, इसमें काजू बादाम आते हैं। मम्मी क्या बात है, काजू बादाम के लड्डू बना के खुआएगी हमको ये काजू बादाम। और ये जो नेक्स्ट स्टेप चल रही है ये है, ये क्या हो रहा है मम्मी? गुड़ को, गुड़ की चाशनी बना रहे हो? पात है? पात। पात क्या होता है? गुड़ को पात पता नहीं मुझे तो तो ये मम्मी पता नहीं गुड़ को फोड़ फोड़ के और इनका क्या बना रही है। ये पहले मेरी माँ बनाती थी, फिर मेरी माँ ने मेरी मम्मी को सिखाया है ना। मम्मी माँ ने सिखाया ना आपको? झूठी, देख कदे कोई एहसान गुण माना करो बड़ा को, बड़ा बुड्ढा लान माँ सिखा कर लिए थे ना। तो ये गुड़ मतलब मम्मी बोल रही गुड़ का पात बन रहा है ये। ठीक है ओके, लेट्स नेक्स्ट, लेट्स वेट फॉर नेक्स्ट प्रोसेस। ये जो मम्मी ने अभी जो मिक्स मतलब जो पीसा था वो इसमें मिक्स कर दिया। इसमें मिक्स करना है ना मम्मी? ये इसमें मिक्स करना है धीरे धीरे, कहीं में वीडियो बनाने के चक्कर में डोल ना दूँ इसको। प्लीज कृपया करके कोई भी मेरी लैंग्वेज पे मत जाना, क्योंकि मेरी हिंदी और मारवाड़ी मिक्स हो रही है, साथ में इंग्लिश भी। और ये मम्मी लग रही है पात बनाने में। मम्मी पात क्या होता है यार, कौन सा वर्ड यूज में ले रहे हो आप? गुड़ का पात ही होता है। गुड़ का पात ही होता है, सुन रहे हो ना आप सभी? मम्मियों के सामने कोई भी नहीं जीत सकता। टक 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 टक। मम्मी नहीं बना रही, मैं बना रही हूँ। हाँ तो इसको बोलते हैं गुड़ का पात। तिल को, तिल गरम कर चुकी मैं। और वो क्या मम्मी क्या कसा था? खोपरा कस चुकी मैं और ये मैं अब गुड़ का पात बना रही हूँ। मम्मी से बोल रही है ये गुड़ जो है इसके अंदर ये पूरा पिघलना चाहिए, नहीं तो डली डली लड्डू के अंदर आती है। ठीक है मम्मी, मैंने आपकी बात कन्वे कर दी, यू नो कन्वे, लोगों तक पहुंचा दी। मम्मी मेरे साथ साथ ये चीज कितने सारे जने देखेंगे। हाँ ये बन गया गुड़ का पात। अब इसमें मम्मी डालेगी, हिलाती रहूं ओके।
ये लो साब, हिलाते रहो साब, यान यान यान, धीरे धीरे, ओले ओले, गाल दे मम्मी, अल्लो सा, कोई ना सकरात पे तिल का लाडू खाना हो जाना मेरे का ना जाए साब बना रही हूँ अली मम्मी तो को दिशु सन ने ओ गाल दियो सगड़ो पराती अलियो सा कपड़ो येलो सा ये हो गया तिल गुड़ के पात में मिक्स। अब मम्मी ऐसे बोल रही है जब भी ये ठंडा हो जाए तब इसके गुड़ बांध लो लड्डू वालों सॉरी मम्मी लड्डू वालों मम्मी मेरे को पता नहीं है ना यार लेकिन मम्मी बनाया था मैंने ही है तो ये अब ठंडा होने के लिए मम्मी छोड़ के जा रही है और मम्मी से बोल रही है जब जब तक मैं बर्तन साफ करके आ जाती हूँ तब तक इसको ठंडा होने दो ठीक है मम्मी ओके बाय बाय तिल के लड्डू का पात। तो अभी जो भी बनाया है मैंने मम्मी ने मतलब मैंने वो ठंडा होने के लिए छोड़ दिया और जब वो ठंडा हो जाएगा तब उसके हम लोग लड्डू बांध लेंगे मतलब कि तिल के लड्डू बना लेंगे। तो ये गुड़ ठंडा हो चुका है और इसकी अब मम्मी ने बोला है कि इसकी हम लोग पपड़ियाँ बनाएंगे मतलब जो ऐसे शेप करती है ना उस तरह की पपड़ियाँ बनाएंगे। तो ये तिल को डाल दिया परात के अंदर और ये मम्मी बाटकी से कर रही है इसको ऐसे 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 पता नहीं क्या करते फिर ये बन जाएगी ऐसी पपड़ी सुबह तक तिल पपड़ी बनाने वाले थे लड्डू बना दिए तिल पपड़ी। वाव क्यूट क्यूट लग रही मम्मी टक 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 दो में बनाओगे मम्मी हो गया और एक छोटी प्लेट में हो गया फिर मम्मी ज्यादा मोटी हो जाएगी तो और इसमें बड़ी वाली में डाल दूं क्या और ये पूरा ले लेंगे ये बन जाएगी तिल पपड़ी ये जम जाएगी फिर अभी इसको अपन जमा देंगे ये तो मम्मी ज्यादा मोटी हो गई ये जमेगी नहीं ऐसे तो ये बन चुकी है ये छोटी वाली तिल पपड़ी ये मोनू के लिए और ये मेरे और मम्मी के लिए दो दो तिल पपड़ी बन चुकी है सुबह तक ये जम जाएगी और ये हमारे मोनू के लिए मोनू भैया मंदिर गए थे मंदिर से लड्डू लेके आए जिसमें से एक मेरे को दिया दो खुद का और तीन मम्मी को दिए मतलब कि मेरे साथ में तेरे को दिखा रही हूँ मैं कितना क्यूट लगता है कभी कभी तू बंदर। तो ये बन गई हमारी तिल पपड़ी देखा ना तिल के लड्डू बनाना और तिल की पपड़ी बनाना कितना ईजी है मैंने सिखा दिया ना आप सबको बस इसी तरह बनते हैं। तो अब जब कभी भी बनाओ 5-6 किलो मेरे घर पे बांध जाना मतलब भेज देना इसी तरह छोटे छोटे और बोरिंग वाले ब्लॉग मैं आप सभी के लिए लाती रहूंगी क्योंकि मेरे को ब्लॉग करना बहुत बड़ा चस्का चढ़ गया और वो सब आप लोगों की वजह से मेरे माइंड में भी नहीं था पहले ब्लॉग कैसे बनते हैं क्या बनते हैं लेकिन आप लोगों ने मेरे दिमाग में इतना सारा ब्लॉग भर दिया ना। अब कभी भी मतलब सुबह शॉप पे भी जाते हो ना तो पहले मैं ऐसे सोचती हूँ यार अपना फोन चला लेती हूँ अपन पूरा ब्लॉग बना लेंगे वहां तक जाने का लेकिन कंट्रोल रतन कंट्रोल सो इस तरीके से तो मैं ब्लॉग बनाती रहूंगी आप लोग देखते रहना और बताते रहना कैसा क्या चल रहा है कैसा क्या नहीं। थैंक यू।